होटल ले मेरी सच्चा विधायक है तू जान पहचान में शॉपिंग फेस्टिवल होने वाली है और ये एक भाई साहब पीठ खोल के बैठे भाई साहब भीड़ इतनी हाय गाइस वेलकम यू ऑल फ्रॉम दिल्ली। अभी हूँ मैं जनपथ में, ठीक है, जनपथ जो मार्केट लगता है मेरे जिस नीचे एक सब्वे है इसके नीचे वहाँ पर लगता है और मैं अभी पंकज का वेट कर रहा हूँ और आज हम जाएंगे एक इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर को अटेंड करने, दिखाते हैं क्या सीन है। तो मस्त बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा जनपथ दिख रहा होगा, ये रहा जनपथ, फिर ये है देख लो भारत पर्यटन दिल्ली इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसकी। और यहाँ पे किया लिखा है यार बड़ा सा, ठीक है, और इसके जस्ट मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो गाइस अभी अपन चल रहे हैं कहाँ के लिए भाई, होटल ली मेरिडियन के लिए। और यहाँ जो मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ, फुटपाथ पे चलने की जगह कम है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगा रखे हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। और एक सीन के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, दिल्ली में कभी भी आओ भाई, कोई भी ऐसे डोनेशन मांगे कि हम यहाँ से हम वहाँ से, कोई भी धर्म हो, कोई रिलीजन हो, कोई कास्ट हो, कोई एक कम्युनिटी हो, भाई देने का ही नहीं। मेरे साथ एक सीन हुआ है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वही है बस, ये सब ढोंगी होते हैं, ढोंगी बाबा जैसे ये सब लोग होते हैं, तो इस चीज़ से सतर्क रहे। अभी होटल ली मेरिडियन का सीन आप लोग को दिखाता हूँ। अभी मैं कौन से रोड में हूँ, अभी मैं जनपद रोड पे हूँ, कैनॉट प्लेस। तो ये सीन है, साफ भीड़ काफी ज्यादा भीड़ है भाई, काफी ज्यादा। भाई साहब बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही मेरी, भीड़ देखते हैं। सो गाइस ये रहा होटल ले मेरिडियन का एग्जिट, अपन ने ली थी एंट्री वहाँ से और गाड़ी यहाँ पे रुकती है, फिर यहाँ पे पार्किंग के लिए चली जाती है। और अभी अपन इसके एग्जैक्ट बाहर है, यहाँ पर तो बड़ा बड़ा शोरूम दिखा होटल ले मेरिडियन, और अभी निकलने का टाइम हो गया अपना। काफ़ी बड़ा होटल है यार, देख लो 5-स्टार होटल, फर्स्ट टाइम नहीं लेकिन दिल्ली में फर्स्ट टाइम, ठीक है, अच्छा लगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। एक भैया ने बोला कि वीडियो लेना अलाउड है, वरना मैं कोने कोने से रहता हूँ, थैंक्स टू हिम। तो गाइस ये BSNL का हेडक्वार्टर, BSNL का ही है ना हेडक्वार्टर, वो वाला नहीं, वो वाला BSNL दिख रहा होगा, हेडक्वार्टर है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आई गेस, ठीक है। सर्कल है, बहुत बढ़िया पार्क है, जस्ट होटल ली मेरिडियन ये रहा, इसके जस्ट बाहर है ये पार्क। अभी हम थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, फिर उसे इंस्टाग्राम पर डालेंगे, और आप लोग का काम होगा उसे लाइक और कमेंट करना, नहीं किया तो भी नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस जनपद रोड पे यहाँ पे एक पार्क है, नाम पता नहीं यार, इसका नाम कहीं लिखा नहीं था, ठीक है, पार्क नहीं है, सिर्फ एक सर्कल है। अच्छा एक सर्कल है लेकिन पार्क जैसा बना दिया, गार्डन बना दिया, जो भी कहते हो यार तुम लोग अपनी भाषा में, पिकी दिल गार्डन, गार्डन हाँ गार्डन। और ये होटल ली मेरिडियन मेरे पीछे है, दिख रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग ने दिल लोग के साथ फोटो वोटो खिंचाई है। फिर उधर तालाब है, स्विमिंग करना है तो कर सकते हो, पानी एक बार दिखा देता हूँ भाई, बैग का ध्यान रखियो। तो भाई यहाँ पे आप टहल भी सकते हो शाम को अगर आना चाहो तो, पानी साफ है लेकिन थोड़ा नीचे है तो छू के नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है भाई। उधर देखो संगरी ला इरोस न्यू दिल्ली, वो इरोस जो आता है ना भाई पिक्चर या गाना चलने से पहले, तो उसी का, तो भाई यही सीन है। एंड दिस इज लोचन लाइव फ्रॉम न्यू दिल्ली, जनपद रोड के यहीं पे हूँ मैं, अभी घर के लिए निकलूँगा बस, ठीक है। फिर यहाँ पे कबूतर भी देखने मिलते हैं अपन ने, कबूतर, और यहाँ पे पूरे सर्कल में जो गाड़ी ऐसे ऐसे होके वहाँ वहाँ निकलती है,
अरे अरे पंकज एक स्माइल प्लीज। हाँ 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 हरियाणवी जाट अपना भाई भाई हमसे का पेड़ बिना चमेली के। अच्छा मतलब बिना चमेली के तेल का। हाँ तो वही सीन है। और बैग हमने यहाँ रखा है और दिल्ली में बैग रोक के ना सॉरी बैग छोड़ के कहीं नहीं जाने का, एक मिनट सांस रोक देने का, लेकिन बैग फ़ोन पर्स बटुआ जो कुछ भी कहते हैं उसको छोड़ने का नहीं भाई। फोटोग्राफी वगैरह करा ली, बैग के सामने ही मंडरा रहे हैं। ठीक है चलते हैं भाई। पूरा BSNL का जो हेडक्वार्टर बताया था वो रहा, वो दिख रहा होगा। ठीक है अभी चलते हैं और कुछ कुछ दिखाते हैं, बने रहिए भाई। ये रहा ले होटल ले मेरिडियन और इसका जो एंट्री पॉइंट है ना वो रहा दिख रहा होगा आप लोग को, वो वाला ठीक है देख सकते हो। और यहाँ पर मैं फुटपाथ पर चल रहा हूँ। ये पशुपति नाथ सिंह सांसद लोकसभा के, उनका घर है। चाय शाय पे चले गए, चलेगा क्या चाय पे? नहीं चच्चा विधायक है तो जान पहचान है तो कोई डर नहीं हम लोग को दिल में। इतना विधायक है कि घर में चार चार कैमरे तो भारी लगा रहे थे सिर्फ मेन एंट्रेंस पे। देख लेंगे भी, चाय पे बुला लेंगे तो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा भाई। बात ये है कि 5 साल होटल के आगे इन्होंने अपना घर बनाया है, घर बनाया है तो समझ लो कि चाचा कितने मालदार है, कितने मालदार है कोई। ठीक है देखो गोल्ड की चेन। सो गाइस ये रहा लेक्सस न्यू दिल्ली शोरूम, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाइन और यहाँ पे क्या है डॉक्टर राजेंद्र, अच्छा दोनों राजेंद्र प्रसाद जी है। उस साइड से आने वालों के लिए ये है, उस साइड से जाने वालों। हाँ तो दोनों तरफ से दिखेगा। ये देखो लेक्सस न्यू दिल्ली। दिल्ली में एक चीज़ है भाई, हर चीज़ का आपको ये है ना बोर्ड बड़ा सा ग्रीन वाला दिखता है तो ठीक है। फिर ये अफजल अंसार कोई है सदस्य लोकसभा। अंसारी है, आई कट गया है। हाँ अंसारी है, सदस्य है ये गाजीपुर के संसद है ना, तो क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA? पार्लियामेंट होता है सांसद या शायद भाई, देख लेना अपनी खोज खोज। हाँ ठीक है खोज कर लेना यार, जो भी हम लोग इतनी हिंदी ठीक नहीं है कभी कभी, लेकिन जाते हैं। हाँ लेकिन इंग्लिश भी उतनी ठीक नहीं है। ठीक है काम कर जाओ। और ये बस स्टॉप है, इस बस स्टॉप का नाम क्या है यार, एक मिनट, विजदोर पैलेस। ये देखो डिड यू नो, पढ़ लो क्या डिड यू नो, विंसर पैलेस में प्लेस है। ठीक है मेरे पापा। देखो एम्स, विज्ञान भवन, निर्माण भवन सब, और इधर बंगलो नंबर क्या क्या देख लो, किसी का मामा चचा रहता है तो आ जाना कभी। ठीक है यहाँ पे एक और किसी बड़े आदमी का घर है, ये डॉक्टर किरीट सोलंकी जी का घर है, ऑफिस है, सांसद है, लोकसभा के हैं, अहमदाबाद गुजरात से, मतलब अपने मोदी भाई के गांव के हुए। सही है मोदी भाई का गांव तो बहुत हुआ है, अहमदाबाद तो बहुत बड़ा है। अरे मोदी जी का तो पूरा भारत है जी, भारत तो अभी हुआ है, पहले तो एक अहमदाबाद ही था, मतलब गुजरात ही था तक तो। और यहाँ पे यार BJP देखने मिलती है, देखो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी साहब, अब बाकी कौन ही पहचानता मैं। अरे नीचे लिखा तो है केवी। अरे ठीक है इतना पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, इतने पढ़ रहे होते तो भी IAS IPS कलेक्टर DM SDM वो सब होते हैं। और हाँ एक बात फिर से बताता हूँ, दिल्ली में बैग यहाँ रखना हमेशा, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए भाई, स्टाइल की कोई जो सेल्फी भी लेना ऐसी लोग कोई बात नहीं, शक्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छाती थोड़ी तो पीठ में रखोगे ना भाई कुछ से कुछ हो जाएगा, पर्स हो पावर पे, अरे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, डॉक्यूमेंट हो फोन हो तो यहाँ रखो भाई। देखा होगा जब से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, जब से दिल्ली आऊँ यहीं, दिल्ली का जब से घर से निकला हूँ यहीं छाती पे। ठीक है छाती पीट पीट के रोना नहीं उसके चक्कर में। ठीक है अभी अपन ने जाना लेफ्ट। और गाइस आज दिल्ली का वेदर काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब इन्हें जब से पता लगा है ना कि लोचन और पंकज आ रहे तो इन्होंने मतलब ठीक कर लिया वेदर, वरना इतनी गर्मी इतनी बारिश, और हमें देखो कि हम मतलब व्लॉगिंग कर रहे हैं धूप नहीं क्या, लेकिन फिर भी जो गर्म है ना मतलब गर्मी है ना वो है भाई साहब। ठीक है तो वही सीन है। और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड लिमिट 40-50 है, फिर LNT का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ठीक है अभी मैं और पंकज जा रहे हैं इंडिया गेट दिखाते हैं। ठीक है लाइव फ्रॉम दिल्ली के सड़कों से, कौन सी सड़क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में हूँ मैं अभी, और यहाँ तो काफ़ी अच्छा है भाई सीन। ठीक है मतलब रास्तों में आपको बालू बहुत दिखेगा, मतलब काली रोड नहीं है, मतलब अबे यार इसका कलर क्या होता है, रेत का कलर, ग्रे एंड येलो, गोल्डन येलो इस रोड मिलेगा। हाँ येलो इस यहाँ पे पानी साइड में रहता है। कीचड़ दिखा दो भाई, कीचड़ दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि कई चीजें सरकार छोड़ देती है अभी। हाँ भाई साहब तो वहाँ पे इतनी गंदी बदबू, मेरा देखो जूम पूरा कर दिया लेकिन उतना सा पूरा कीचड़ हो गया है,
कहीं पानी नहीं मिल रहा लोगों को, कहीं कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। बात ये है, हमारे आगे एक टेम्पो है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये माता जी की फ़ोटो, भगवानों की फ़ोटो लगाया, पता नहीं क्या सीन है, यहाँ खड़ी है। गाइस आप जो ये देख रहे हो ये हैदराबाद हाउस है भाई साहब, हाउस नहीं दुनिया लग रही है, एक अलग ही दुनिया है, वाओ। और ये सिचुएटेड है अशोका रोड पे, हैदराबाद हाउस देखो आप बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ, और ये देख लो भाई अगर, और हाँ भाई यहाँ पे अशोका मतलब नहीं होता, ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में आए हैं घूमने के लिए। बिल्कुल वल्लाह अभी भी तो वैसा ही बोल रहे हैं जो भी है, लेकिन कम टू इंडिया भाई, इंडिया में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, भी बहुत कुछ है, लेकिन आपने देखने के लिए दम होना चाहिए, बस वो होना चाहिए। और देश को वो जो लोग करते हैं ना नकारना या फिर नीचा दिखाना, वो चीज़ कम करनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि हमारा देश भी बहुत कुछ है, भले ही देश जो भी है पर्सनल वो सब मैं नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल कहीं हो जाएगा कंफ्लिक्ट, हम ठहरे छोटे लोग छोड़ो, मेरा काम है व्लॉग बनाना। अच्छा भाई तो इंडिया गेट उधर है ना? हाँ इंडिया गेट उस तरफ है, हाँ दिखाता हूँ, रुको दो मिनट गाइस, वो रहा इंडिया गेट, दिख रहा होगा। अरे अशोका रोड के यहाँ पे हूँ मैं, हैदराबाद हाउस हो रहा, ये अशोका रोड है देख लो भाई। अच्छा अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है, प्रगति मैदान, कॉनट प्लेस और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उस तरफ है, वो झाड़ियों के उसमें छप छुप गया कॉनट प्लेस। और तो कल मैंने प्रगति मैदान से जो है मेट्रो ली थी घर के लिए, ठीक है। तो गाइस अपन ने अभी राइट टर्न लेना है इंडिया गेट के लिए, और ये गाड़ी रुकने का नाम ले तब ना, ठीक है राइट टर्न लेके बात करते हैं आपसे। कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, बहुत लोग हैं और रोड क्रॉस करना मुश्किल हो गया, सीन चल रहा है। और अमर ज्योति जवान उसी तरफ अभी हम उधर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सीन हो गया, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है भाई क्या बोले। और ये बंद कर रखा है, ठीक है, और ये अपने जवान सब है, तो यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, अभी हम आगे से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, अंदर जा नहीं सकते। तो ये रहा इंडिया गेट का सीन, यहाँ पे भीड़ लगी है, दिल्ली पुलिस वाले जो जाने नहीं दे रहे क्योंकि कुछ काम चल रहा है, तो उन्हें भी इतना पता नहीं है। तो गाइस दिल्ली के इंडिया गेट के लिए हम लोग दो जगह गए, फिर से उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पहले गए थे, उसके आगे जाके जो है थर्ड गेट है, अभी गेट नंबर 1 और 2 जो है बंद कर रखा है, क्या है पता नहीं, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, बहुत सारी भीड़ लगा मेरे पीछे देख रहे हो और मेरे आगे भी, ये सारे गेट नंबर 3 की तरफ। गाइस गेट नंबर 1 और 2 बंद है, हमने 2 गेट देख लिए, अभी भी जो दिखाया था वो शायद गेट नंबर 1 था, वो पूरी तरीके से मतलब इतने लोग थे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। गर्मी यार इतनी है ना, इतनी नहीं है लेकिन धूप नहीं है, फिर भी अगर गर्मी हो ना तो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो क्या लगता है, देखो ह्यूमिडिटी। गेट नंबर 3 जाना, अगर आप लोग हाल ही में आ रहे हो न्यू दिल्ली तो गेट नंबर 3 से एंट्री लेना भाई, या फिर आसपास वालों को पूछ लेना, वरना हमारे जैसे धक्का खाते रह जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, इतने सारे लोग जो आप देख रहे हो ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं, और अंदर भी भीड़ है। हाँ, और मेरे टांगों की वाट लगी हुई है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से 6-8 घंटे की नींद ले रहा हूँ और सारे दिन बाहर घूम रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल है थोड़ा नहीं बता सकता। और यहाँ पे नियर बाय अगर बस स्टेशन की बात करूँ या फिर बस स्टॉप, तो वो है बड़ोड़ा हाउस, देख लो, ठीक है, जूम करके दिखाओ बड़ोड़ा हाउस। तो बड़ोड़ा हाउस से जो है इस स्टॉप पर उतर के आप लोग जो है इंडिया गेट देख सकते हो, और यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवेज़ का हेडक्वार्टर, ये रहा नॉर्दर्न रेलवेज़ का हेडक्वार्टर, यही है पेड़ के पीछे, ठीक है। भाई साहब भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, पता नहीं कुंभ का मेला लगा है क्या लगा, कुछ बोलना चाहेगा? संडे है आज, आज संडे है तो सब कुछ। और उस तरफ है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, इस तरफ ही है। अच्छा हाँ उसी तरफ है, और इंडिया गेट का व्यू यहाँ से दिखा, मैं जाते हो यहीं से गया था क्या शायद, यहीं से गया था पता नहीं, वो देख लो इंडिया गेट यार, इंडिया गेट, इंडिया गेट जो भी है उसका पार्ट है ना, एक पार्ट है, हाँ पार्ट है यार, पूरा नहीं दिखा सकते, इतनी भीड़ है ना, वैसे कैमरा लेके घूमना यहाँ पे मौत को दावत देना या फिर रिस्क से इश्क करना होता है, ठीक है। ठीक है गाइस यहाँ से बस इतना ही, अभी कॉनट प्लेस जाके आप लोग से बात करता हूँ। तो गाइस अभी हम पटियाला हाउस बस स्टेशन बस स्टॉप के ऑपोजिट पे, और पंकज यहाँ पे सोडा ले रहा है यहाँ से, ये भैया बना रहे सोडा और वाटर लाइसेंस,
तो यहाँ मिलेगा कहाँ, पटियाला हाउस बोरा, उसके जस्ट अपोजिट में ये भैया मिलेगा, 15 का देते एक ग्लास सोडा। सोडा ना, सोडा ही ऑर्डर किया ना, कुछ और तो नहीं कर लिया, पक्का ना? ठीक है, जो पटियाला हाउस के पीछे देख रहे हो ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल पता नहीं कुछ लिखा है यार, समझ में नहीं आ रहा। गाइज ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइब्रेरी है, और ये 15 की एक पंकज पिला रहा है, पंकज के नाम, पंकज चेज हो जाए, चेज तो चेज हो गया ये अपना। इनका नाम था यार इसका, मैं फिर भूल गया, लेमन सोडा। लेमन सोडा का टेस्ट वाकई काफ़ी बढ़िया है, कभी आओ तो ले लेना एक बार यार। इंडिया गेट देखना नहीं हो, बड़ा सोच के आया था आज इंडिया गेट देखूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिला, ऊपर से बहुत चल गया यार, हालत ख़राब हो गई है। हाँ भीड़, फिर पंकज के लिए रुका था मैं एक घंटा, पंकज भाई ये रहा, इसकी भी ट्रेन जो है टाइम पे आती नहीं, इंडियन रेलवे कुछ तो करो यार भाई, घंटों तक कहाँ खड़ी रहती है बता हमारे दर्शकों को। घंटों तक आउटर पे खड़ी रहती है जब उसको सिग्नल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? इसी तो कहते हैं इनइक्वालिटी ना, इनइक्वालिटी पार्शियलिटी, उसको बोलते हैं लेट होना। जब आगे वाली ट्रेन नहीं जाती तो पीछे वाली को बुलाने का कोई मतलब नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए लेट होना। लेकिन ठीक करो यार ये सब, उसके चक्कर में पूरा दिन निकल गया, अभी 4 बज गए, और चलेंगे कॉनट प्लेस की तरफ। तिलक रोड पे, और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइब्रेरी था, मैंने बता दिया था, और हमने अभी अभी सोडा पिया। क्या हुआ देर साथ, अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि सोडा नहीं था, नॉर्मल था, बाद में जाना रियलाइज हुआ, और जब पैसे भी दे देते क्यों, सोडे में एक अलग ही मज़ा होता है, मज़ा भी आता है, ढकार भी आती है ना, और ढकार के लिए पीता हूँ मैं तो। ठीक है, तो 15 की थी वो चीनी वाली, तो हमने चीनी वाली नहीं मांगी थी, हमने नॉर्मल ही मांगी थी। ठीक है भाई, क्या करें। ठीक है, चल रहे हम लोग अभी कॉर्नर प्लेस के लिए। भाई मेरे जस्ट पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, एक मिनट, फुटपाथ है क्या, मैं दिखाऊंगा। मेरे जस्ट पीछे वो जो टावर दिख रहा है ना, रिलायंस का, एयरटेल का, जो भी टावर है, उसके जस्ट पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है भाई साहब, प्राउड ऑफ राइट, गया सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया का। तो गाइस इससे पहले जो मैंने बोला वो सुप्रीम कोर्ट भी था, एडिशनल बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट था वो, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, आई एम सॉरी। इस तरफ आया नहीं हूँ ना मैं ज़्यादा घूमने, तो आइडिया नहीं है। ठीक है, रास्ता खाली है भाई, रास्ता खाली है, लेकिन आगे से फुटपाथ तोड़ रखा है, तो हाँ ये फुटपाथ के हाल देख सकते हो, चल नहीं सकते, मतलब यहाँ पे पाइप वगैरह डाल देंगे तो। है कि 3 ट्रेस पासिंग, क्या की पंकज, ट्रेस पासिंग वो भी 3 बार, तीनों पार्क के बीच में से, एक और पार्क के कॉर्नर प्लेस जा रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये पार्क पड़ गया, रोड जा, एक और पड़ा था ये वाला ना, ले मेरिडियन वाला। हाँ अच्छा भाई, घास बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया है, मेरा बस चले तो उठा के ले जाऊँ और अपने घर के बगीचे में उगाऊँ। धूप भी थोड़ी सी निकल गई है यार, सीन बढ़िया भाई, दिल्ली नई दिल्ली। हाँ वो पीठ दिख रही है देखो, यही तो, और ये एक भाई साहब पीठ खोल के बैठे अपनी, देख सकते हो इतनी गर्मी है, आते हम दुनिया में इसलिए तो निकलते हैं ताकि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर पाए, एक्सप्लोर तो कर लिया, लाइन ये देखने के लिए सिर्फ इसी के दर्शन करने आए हम भाई। मैं अभी अच्छे से रोड क्रॉस करेंगे, रुक जा भाई, भाई साहब हम जा बोल दो गाड़ी के बाद, आगे निकल, आगे निकल जाओ। सारा इंडिकेटर इस तरफ का दे रखा है, जा रहा उस तरफ है। अभी हमें बरखंबा रोड पे, और उस तरफ है टाउ अ सप्रू हाउस, सप्रू हाउस था वो, और ये एम्बेसी ऑफ नेपाल है। हाँ देख लो यार, नेचरली नेपाल, वैसे भी नेपाल घूमने की जगह है यार, सही जगह है, सही जगह है। और ये लेन जो है देख रहे हो जिसपे हम चल रहे हैं, ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए है, जो राह चलते वाले लोग हैं ना, नहीं गाड़ी वगैरह, ओके ओके गाड़ी वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे सर यहाँ पे रहते हैं एम्बेसी वगैरह में, एम्बेसी में जो काम करते हैं उन लोग के लिए होगी, लेकिन पूरी खाली दिख रही है भाई, तो मुझे लगा कि हम लोग के लिए यार, हम गरीबों के लिए तो कोई सोचता भी नहीं। क्या पता दिल्ली की सरकार ने सोच लिया। ठीक है भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स भी है यहाँ पे, देख सकते हो रोड पे ऑन द वे टू कॉर्नेट प्लेस, वहाँ थोड़ा यार यहाँ का फूड खा के देखते हैं, छोले भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये स्टेट्समैन हाउस बस स्टॉप है, और ये यार क्या बड़ी बिल्डिंग है देखो भाई, मतलब क्या कहूँ, दिल्ली तो भाई बदल डाला। देखो गाइस कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन किस चीज़ की मुझे नहीं पता, PFC की होगी शायद, उधर PFC लिखा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महारत्ना कंपनियों में से एक आती है। और वहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, शिवाजी स्टेडियम, और कॉर्नेट प्लेस के लिए
जब वो बोर्ड दिया है कहाँ कहाँ, वो बताया गया है। और ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है भाई? बड़गम्बा। ये है बड़गम्बा मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और हम ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर चल रहे होंगे? 3-3.5 समवेयर अराउंड 3.2 मतलब 3.5-4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, हमारी अच्छे से लगी है। और ये किस चीज़ की बिल्डिंग है ये दोनों मुझे बताना, मैं श्योर नहीं हूँ। बहुत बड़ी मतलब मस्त लग रही है यार, ऐसा लग रहा है कहीं फॉरेन में आए हुए नहीं, मतलब इंडिया भी फॉरेन जैसा लगने लग गया है। और ये लो जैसे आया यहाँ पे एक और बड़ी बिल्डिंग, भाई साहब बिल्डिंग सिटी ऑफ बिल्डिंग कर दो यार, सिटी ऑफ बिल्डिंग। फॉरेन पे आए हैं हाँ, लेकिन ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि हम पहली बार निकले तो हमें एक्साइटमेंट है, अपने देश की चीज़ें ऐसे देख रहे हैं जैसे भाई अमेरिका वगैरह गए हो, लंदन गए हो। मेरा स्टेट्समैन चैम्बर, अच्छा ये है स्टेट्समैन चैम्बर। और इधर गाड़ी कम खड़ी है आज क्योंकि संडे है, सो रहे अपना सब है, ठीक है भाई साहब। दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल होने वाली है 28 जनवरी से 26 जनवरी 2023, देश का सबसे बड़ा शॉपिंग उत्सव। और हाँ, अगर आप शॉपिंग का कीड़ा है तो यहाँ आ सकते हो भाई, शॉपिंग वॉपिंग करो। और दिल्ली में तो पता ही है सरोजनी, सदर बाज़ार, अरे बहुत है यार, पहाड़गंज मार्केट, वो तो बड़ा सस्ता मिलता है सामान, ये यार बदल गया सुप्रीम, जो भी है। चलो हमने जाना है अभी उधर, मैंने बस पकड़ी है डिग्री से भी, वहाँ भी जाना घर के तरफ, ठीक है। बस आज खाली है क्योंकि आज जो है संडे है, ठीक है।